करीना की बड़ी बहन करिश्मा भी उन्हें पसंद करती थी। I think we've really, I mean, struck a good friendship. I mean, even me and Shahid, I think what's really nice, I mean, so many times he calls me, can you advise me on this? So I call him, Shahid, can you help me out in this? What do you feel? Yeah. And I think that's really nice. I think we've become good friends. करीना के पापा रणधीर कपूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो करीना को बेबो बुलाते हैं, करिश्मा को लोलो और अब वो शाहिद को डोडो कहकर पुकारेंगे। If Kareena is fondly called Bebo and Karishma is called Lolo, you want to be creative and give me a pet name for Shahid? Dodo. इन दोनों ने अब तक शादी का तो वक्त तय नहीं किया था, लेकिन ये अपने रिश्ते से काफी खुश थे। One question everybody is asking: marriage in the offing or long time for that? I think there is time for that because both of us want to go. Like we say, our running shoes are on. We're raring to go. 2007 is your year. We want to do that. We both have decided on that. Marriage can wait. That can wait. And the fact is that everyone knows we're compatible, so it's more than enough now. Shahid aur Kareena ki love story trek par thi. Dono ek dusre ke saath kafi khush bhi the. 2007 mein inhone Karan Johar ko jo interview diya, use dekhkar yahi lag raha tha ki inka rishta mazbooti se aage badh raha tha. मगर फिर उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिससे इनके रिश्ते में खलबली मच गई, जिसकी शुरुआत एक साल पहले यानी 2006 में हो गई थी, जब करीना और शाहिद ने निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट की शूटिंग शुरू की। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त दोनों का रिश्ता काफी मजबूत था, लेकिन फिल्म जब वी मेट की शूटिंग खत्म होते होते इन दोनों के बीच दूरियों की खबरें आने लगी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया गीत, तुम मुझे बता नहीं सकती थी। तुम चले जाओ आदित्य। देखो गीत, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, ऑलराइट? कम ऑन। नहीं आदित्य, मैंने अपने लिए जिंदगी बनाई है, इसी में रहूंगी मैं। यू नो व्हाट गीत, तुम्हारी ये मनोहर कहानियां वाली फिलॉसफी है ना, इसे तुम अपने पास रखो। राइट नाउ यू कमिंग विद मी। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो आदित्य। ऑफ कोर्स कर सकता हूँ गीत। गीत, यू आर कमिंग विद मी। आदित्य छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? इन्हें कहाँ ना छोड़ो मुझे। गीत, listen to me, तुम मेरे साथ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? खबरें आई कि करीना और शाहिद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और जब वी मेट की शूटिंग के दौरान ही जो तस्वीरें दुनिया को दिखी उससे ये साफ हो गया कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। साल 2007 में मुंबई के गोरेगांव में इन दोनों को जब वी मेट की आखिरी सीन की शूटिंग करनी थी। अब तक शूटिंग पर साथ साथ आने वाले करीना और शाहिद इस दिन सेट पर अलग अलग अपनी गाड़ियों से आए। इसके बाद पेशेवर एक्टर्स की तरह शूटिंग खत्म की, लेकिन जैसे ही शूटिंग खत्म हुई ये दोनों एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी हो गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और अपनी अपनी गाड़ियों में वापस चले गए। जब वी मेट की शूटिंग खत्म होते होते शाहिद और करीना एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। इनकी दूरियों को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इन दोनों ने अपने अलग होने की वजह कभी नहीं बताई। और फिर ये खबर आई कि करीना की जिंदगी में कोई और आ गया था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान थे।